नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर हम इस प्रकार की हिंदुस्तान यूनिलीवर का लोगो सिंपलेस्ट वे में कैसे ड्रॉ करें। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम शेप को यहाँ पे सेट करते हैं, देन यहाँ से लेते हैं हम एक सर्कल। कंट्रोल के साथ सर्कल को हमें ड्रॉ करना है इस प्रकार से। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद सर्कल को हम यहाँ पे सेट करेंगे। सर्कल सेट करने के बाद यहाँ से इसकी जो रोज लाइन है ना, यहाँ से एक लाइन लेंगे हम ऐसे, इस प्रकार से ऐसे वर्टिकली लेंगे और एक हॉरिजेंटली लेंगे ऐसे, इसके सेंटर पे लेके इसको सेट कर देंगे हम ऐसे। करने के बाद अब हम एक और लाइन लेंगे जो कि यहाँ पे सेट कर देंगे ऐसे, इन दोनों के मिडिल पॉइंट में, और एक लाइन यहाँ से लेंगे जो कि इन दोनों के मिडिल पॉइंट पर सेट करेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से मिडिल पॉइंट पर सेट हो गया। अब सेट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इरेज टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे हमारा इरेज का ऑप्शन है, इरेजर, तो इसको लेना है और इसकी साइज को हमें 7.0 mm रखना है। देन यहाँ से जो लाइन वाइज हमें इरेज टूल से लाइन बनानी है, जैसे कि इस प्रकार से लाइन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो हमारी शेप जो होती है इरेज हो जाती है ऐसे। सेम हमें इस लाइन पे भी ड्रॉ करना है ऐसे, इस प्रकार से रेज कर देंगे। सेम इस लाइन से भी हमें ड्रॉ करना है ऐसे, और यहां से भी हम इसको इरेज कर देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इरेज करने के बाद अब हम यहां से एक इरेजर की लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहां से क्लिक करते हैं ऐसे और इस प्रकार से ख़त्म कर लेंगे। तो शेप हमारी इस प्रकार से बन गई। शेप बनने के बाद अब हम इस पर क्लिक करके कंट्रोल के प्रेस करेंगे, तो क्या होता है कि सारी शेप हमारी अलग अलग होगी, जैसे कि इस प्रकार से। अब एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल को क्या करेंगे, जो हमारा शेप है ना इसके ऊपर हमें लगाना है, जैसे कि इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे ऐसे। इस प्रकार से सेट करने के बाद इसको कंट्रोल पेज डाउन कर देना है ऐसे। डाउन करने के बाद ये जो अंदर वाला शेप है इसको क्लिक करके हमें डिलीट कर देना है ऐसे। ऐसे डिलीट होने के बाद इस रेक्टेंगल को कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ से क्लिक करके माउस को इस प्रकार से एक लाइन बनानी है ऐसे। सेम इसी को ही कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल के साथ इसको इस डायरेक्शन में होल्ड कर देंगे और इसको लाके हमें इस डायरेक्शन में जॉइंट कर देना है ऐसे। इस प्रकार से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद ये जो एच बनाने के लिए यहाँ से भी एक हॉरिजेंटली लाइन चाहिए, तो इसी जो रेक्टेंगल है पीछे वाला इसी को ही कॉपी पेस्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको भी छोटा कर देंगे ऐसे। करने के बाद इसको यहाँ से सेट करते हैं ऐसे और इसको इस प्रकार से सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसको कंट्रोल पेज अप कर देंगे और इस शेप को क्लिक करके वेल्ड कर देंगे। सेम इसके साथ इस शेप को क्लिक करके इसको भी हमें क्या कर देना है, वेल्ड। तो हमारी एच बन गई है। अब क्या करेंगे, ये सारी जो लाइंस इसको डिलीट कर देंगे हम। इस प्रकार से लाइन पे क्लिक करना है और डिलीट करना है। देन पूरे शेप को हमें सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी से ग्रुप करना है और यहाँ से लेंगे ग्रीन कलर और इसके आउटलाइन को भी ग्रीन कर देंगे राइट क्लिक करके। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी हिंदुस्तान यूनिलीवर की लोगो रेडी है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।